दोस्तों मैं योगेश कुमार यदुवंशी स्वागत करता हूं आपका टीएलसी में। आज के वीडियो में आपको मैं जनगणना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके हिसाब से जो आंकड़े प्राप्त हुए थे मैं आपको एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा। मैंने बोला एक्चुअली उसे मोना ने कहा ब्याह कब, उससे मतलब एक बंदे को, मोना मतलब उसकी एक फ्रेंड है, उसने क्या कहा भैया ब्याह कब करोगे, उसे मोना ने कहा ब्याह कब। तो देखिए यहां पर हर जगह दो शब्द आ रहे हैं, पहला शब्द सबसे बड़ा डेटा बताएगा और दूसरा सबसे छोटा, हर जगह पे ये अप्लाई होगा। चलिए तो जब बात करते हैं जनसंख्या की, उससे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा, सिक्किम की सबसे कम, दशकीय वृद्धि मोना, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, मेघालय की सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, नासे नागालैंड की सबसे कम हुई है, लिंगानुपात मतलब कहा तो केरल का सबसे ज्यादा है, हरियाणा का सबसे कम है, ब्या मतलब घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है, आसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, कब मतलब साक्षरता केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता है, बाफ और बिहार की सबसे कम है। तो दोस्तों हमें जब सेंसस, हमें जब जनसंख्या की बात करनी रहती है तो केवल एक पॉइंट काम आता है, उसे मोना ने कहा ब्याह कब। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।